Assalamu alaikum, students of 3 class. Hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, I am your science teacher. Welcome back and open your science notebooks. So first of all, you have to mention the serial number, which is 5. You have to mention your serial number and the date is 8, 9 and 21. So today we are going to write long question number 1, which will be on page number 9. You have to mention your respective page number here. So first of all, you have to mention the day, which is Wednesday, and the date is 8, 9 and 21. Mention the unit number also, unit number 6. सो स्टेटमेंट जो है वो इस तरह हम लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज लिस्ट 3 फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. तो फ्रेंड्स, हमसे जो है वो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन पूछा हुआ है. 3 फंक्शंस हमने लिखने हैं. चैप्टर को रीड आउट करते हुए आपने ये चीज़ लर्न की थी, सीखा था आपने कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो किस तरह से हमारी बॉडी को हेल्प आउट करता है, किस तरह हमें मूवमेंट में, वॉक में हेल्प करता है और हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है. ठीक है, तो अब आंसर जो है वो हम इसका लिख लेते हैं. सो द आंसर इज नंबर 1. 3 फंक्शंस हमने लिखने हैं. सो द फर्स्ट वन इज द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है. सो द सेकेंड वन इज इट हेल्प्स अस टू मूव, वॉक एंड स्टैंड. जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमें मूव करने में, वॉक करने में एंड खड़े होने में हेल्प आउट करता है. सो द थर्ड एंड द लास्ट वन इज इट हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर पोस्चर बाय गिविंग सपोर्ट. तो ये हमारी बॉडी की पोजीशन को जो है वो मेंटेन करता है, इस तरह हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो स्टूडेंट्स, ये थे स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस. उम्मीद है आप इन्हें इसी तरह से अपनी नोटबुक पे लिखने के बाद याद कर लेंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.